हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर के बारे में। बेसिकली हमने करंट मेजर करने के लिए अमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए हमने डिजाइन कर लिया है, पावर मेजरमेंट करने के लिए हमने वाट मीटर डिजाइन कर लिया, एनर्जी को मेजर करने के लिए हम जो है कि एनर्जी मीटर को डिजाइन कर चुके हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से हमारा अमीटर किसी करंट को मेजर करता है, चाहे वो आपकी करंट एसी हो या डीसी हो, किस तरीके से हमारा वोल्ट मीटर किसी वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है, और किस तरीके से हमारा एनर्जी मीटर किसी भी जो हमारी एनर्जी का कंजप्शन है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है, उसको मेजर करता है, ओके, और हमारा वाट मीटर किस तरीके से हमारा पावर का मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो अब हम एक नया टॉपिक है जो हमारा जो एनर्जी मीटर होता है उसके साथ इनबिल्ट रहता है, ठीक है, जो हमारा एनर्जी मीटर है उसके साथ ये मीटर इनबिल्ट रहता है जो हमारी मैक्सिमम डिमांड को क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड क्या है, पहले हम इस टर्म को समझते हैं कि जो हमारी मैक्सिमम डिमांड है ये क्या होती है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिमांड है, जैसे कि जब हम कनेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, बेसिकली जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है ये जो हमारे बड़े उपभोक्ता हैं, जो बड़े हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर हैं, उनको उनके जो मीटर होते हैं उनमें ये जो है कि आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर इनबिल्ट रहता है, ठीक है, जो हमारी मैक्सिमम डिमांड को क्या करता है, मेजर करता है। मैक्सिमम डिमांड, जैसे कि मान लीजिए आपके जो घर का कनेक्शन है, ठीक है, आपके घर का जो कनेक्शन है वो 1 किलोवाट लोड के लिए है, ठीक है। इट मीन्स 1 किलोवाट लोड का मतलब क्या है कि जो आपका 1 किलोवाट का लोड, ठीक है, ये आपका जो 1 किलोवाट का लोड है इसको इतना लोड आप 24 घंटे में इतना लोड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, इतना लोड आप 24 घंटे में यूज कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कि आप जो सुबह 6 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक आप 1 किलोवाट ही यूज करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आप मैक्सिमम 1 किलोवाट लोड यूज कर सकते हैं। जैसे सवेरे आप जो है कि 6 बजे अगर आप सारे लोड्स को, जितने भी आपके लोड हैं उनको आप चालू कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके कुछ बल्ब लगे होंगे, ठीक है, कुछ फैन लगे होंगे, ठीक है, आपकी फ्रिज होगी, ठीक है, आपकी फ्रिज होगी, आपका बल्ब होगा, फैन होगा, ठीक है, ये जो लोड है इनका जो मैक्सिमम लोड है वो आपका 1 किलोवाट तक इतने टाइम पर आप चला सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट टाइम 10 AM पे आप मैक्सिमम इतना लोड ही चला सकते हैं 1 किलोवाट। अगर आप इससे ज़्यादा लोड यूज करते हैं, मान लीजिए इसी टाइम पर आपने क्या किया 1200 वाट, ठीक है, 1.2 किलोवाट अगर लोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो आप अपनी डिमांड से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी डिमांड से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। जो आपकी मैक्सिमम डिमांड थी जब आपने कनेक्शन लिया था, तो आपने बताया, जो जब आप कनेक्शन ले रहे थे तो आप बोले कि हमको जो है कि 1 किलोवाट तक का लोड चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हैं 1 किलोवाट से ज़्यादा का लोड यूज कर ले रहे हैं पर्टिकुलर किसी टाइम में, ठीक है। मान लीजिए आपने क्या किया रात के 10 बजे, ठीक है, रात के 10 बजे आप सारे लोड को ऑन कर दिए और एट रेंडम आपने क्या किया लोड बढ़ा दिया, तो इस टाइम मान लीजिए आपका लोड 1500 वाट चल रहा है, ठीक है, तो जब 1500 वाट लोड चल रहा है तो आपका जो रेटेड लोड है 1 किलोवाट किसी भी टाइम आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उससे एक्सेस लोड को यूज कर रहे हैं, इट मीन्स आप इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी है उससे ज़्यादा आप यूज कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी जो आपके मीटर में इनबिल्ट किया जाएगा, क्या मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जो आपकी जो एक्स्ट्रा पावर का कंजप्शन है, जो 500 वाट एक्सेस आप यूज कर रहे हैं उसको मेजर करने के लिए आप क्या करेंगे, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर को लगाते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या करेगा, पर्टिकुलर एक टाइम में आधे घंटे तक अगर किसी भी लोड को, ठीक है, किसी भी लोड को उसके रेटेड से अगर आप ज़्यादा यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, उस मैक्सिमम डिमांड को रिकॉर्ड करेगा, इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर क्या है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर आपका वह इंडिकेटर है जो आपकी पर्टिकुलर किसी टाइम में जो आप रेटेड वैल्यू से ज़्यादा पावर का कंजप्शन कर रहे हैं
उसको रिकॉर्ड करेगा क्या आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर की क्या खासियत है, ये जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ये कम से कम अगर लोड आपका आधा घंटा चलेगा, ठीक है, कम से कम अगर आधा घंटा चलेगा तभी जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है, जो आपकी मैक्सिमम डिमांड हुई थी उसको मेजर करेगा, ठीक है, तभी आपका जो मैक्सिमम डिमांड है उस मैक्सिमम डिमांड को ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर बताएगा कि आपके जो घर का लोड है वो रेटेड लोड से अब ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है ये बेसिकली आपके चार तरीके के होते हैं, ठीक है। एक आपका राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, एक आपका है राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है, और एक आपका है राइट मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, एक आपका डिजिटल मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और एक आपका है रिकॉर्डिंग मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, और चौथा आपके पास है मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है। लास्ट क्या है आपके पास, मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ये फिगर आपको देखने को मिल रहा है, ये फिगर किसका है, ये फिगर आपका है मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, किसका है, मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका फिगर है ये किसका है, मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, ठीक है, क्या है आपका मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर। तो ये जो मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर ये क्या करेगा, जब आप किसी सेट वैल्यू से, ठीक है, सेट जितनी आपकी जितना लोड है, जैसे कि मान लीजिए आपका लोड हमने कहा आपका 1 किलोवाट है, अगर आप इससे ज़्यादा पावर को कंज्यूम करेंगे, अगर आप जो है कि 1200 वाट या 1.2 किलोवाट पर्टिकुलर किसी टाइम पे अगर आप यूज करते हैं, और ये जो लोड आप यूज कर रहे हैं ये मिनिमम आपका 30 मिनट यूज होना चाहिए, ठीक है। जब ये मिनिमम आप इसको 30 मिनट यूज करेंगे तभी ये जो आपका मर्ज प्राइस मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर है ये आपकी मैक्सिमम कंज्यूम हुई पावर को क्या करेगा, मेजर करेगा, ओके। तो देखिए इसके अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में इसके आपके कई चीज़ें लगी हुई हैं। यहाँ पर आपका टाइम गियर रजिस्टर, ठीक है, टाइम गियर सिस्टम है, ठीक है, टाइम गियर सिस्टम है जो आपका पर्टिकुलर टाइम को क्या करेगा, काउंट करेगा कि आपने जो है कि जो लोड यूज कर रहे हैं क्या आप बराबर उसको आधे घंटे तक यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मिनिमम आपका आधे घंटे तक लोड यूज होना चाहिए, और ये आपका है रजिस्टर रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म या रजिस्टर मैकेनिज्म, ठीक है, ये आपका क्या है रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म जो आपका यहाँ पर रिकॉर्ड करके दिखाएगा कि कितना आपने जो है कि पावर का कंजप्शन किया है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका डायल है जिस पे आपका ये स्केल बनी हुई है, ठीक है, ये आपकी स्केल बनी हुई है, ये आपका पॉइंटर है, ठीक है, ये आपका पॉइंटर है, और ये आपका यहाँ पर आपका पिन लगी रहती है, ठीक है, यहाँ पर क्या रहती है आपकी पिन लगी रहती है, ये आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, और ये यहाँ पर आपका कैम है, ठीक है, ये आपका क्या है कैम है, ये आपकी स्प्रिंग है, और ये आपका क्या है, ये आपका है वेल या वाल क्रैंक, वाल क्रैंक लीवर, ठीक है, वाल क्रैंक लीवर, ठीक है, ये आपका डायल हो गया, ये आपका पिन हो गया, ये आपकी स्प्रिंग हो गई, ये आपका पॉइंटर हो गया, ठीक है, और ये आपकी एक स्प्रिंग है, ठीक है,
और ये आपका है कैम, ये आपका है टाइम गियर सिस्टम जो टाइम को काउंट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो जो ये आपका मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जैसा कि हमने बताया कि ये आपका जो एनर्जी मीटर होता है उसके साथ इनबिल्ट किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका स्पाइंडल होता है किसका, एनर्जी मीटर का, आपने सिंगल फेज एनर्जी मीटर को देखा कि जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर है उस पर आपका एक स्पाइंडल होता है, उस स्पाइंडल पर आपका ये रजिस्टर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसको आप कहते हैं RGT रजिस्टर गियर ट्रेन, ठीक है। तो रजिस्टर गियर ट्रेन है, उसी तरीके से यहाँ पर टाइम गियर सिस्टम है, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर गियर ट्रेन है ये आपका क्या करेगा, जब आपका स्पाइंडल रोटेट करेगा तो ये भी उसी के हिसाब से रोटेट करेगा, ठीक है। जब ये रोटेट करेगा तो ये आपकी पावर कंजप्शन को मेजर करेगा, ठीक है, ये आपके पावर के कंजप्शन को मेजर करेगा, ठीक है। और जो आपका ये है, ठीक है, ये स्केल जो बनी हुई है ये आपकी जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, पर्टिकुलर एक टाइम पर जब आप मैक्सिमम किसी लोड को यूज करते हैं तो उस पावर को दिखाएगा कि आपने पर्टिकुलर इस टाइम पर मैक्सिमम लोड को यूज किया है, ठीक है। तो इसमें आपका है क्या पॉइंटर, ठीक है, डायल और पिन, ठीक है, और ये आपका है कैम, और यहाँ पर ये आपका है, ये आपका है पिनियन, ठीक है। पिनियन क्या है, पिनियन आपका एक तरीके से रोटेटिंग पार्ट है, ठीक है, जो इसको आपको रोटेट कराएगा, ठीक है। देखिए ये आपका क्या है, ये भी आपका रोटेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है, यहाँ पर आपका रोटेटिंग सिस्टम से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपकी जो एक्चुअल पावर का कंजप्शन है, जो आप एनर्जी मीटर आपका क्या करेगा, रीड करेगा, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ठीक है। और जो आपका मैक्सिमम डिमांड है वो आपकी इस पे दिखाई जाएगी कि आपकी मैक्सिमम डिमांड कितनी है, ठीक है। आपने कभी ये जो है कि आप किसी मंथ जो है कि आपने यूज किया तो आपने मैक्सिमम डिमांड को पार किया, आपका लोड 1 किलोवाट था लेकिन आपने 1200 किलोवाट यूज किया, सॉरी 1200 वाट यूज किया, ठीक है, 1500 वाट यूज किया, तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर एक जो है कि उस पावर को कंजप्शन, जो आपकी मैक्सिमम पावर है उसको मेजर करेगा, ठीक है। एक बात और है कि जो आपका ये मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, जैसे कि मान लीजिए आज आपने आपका प्री सेट वैल्यू थी 1 किलोवाट, ठीक है, इतना आप जो है कि मैक्सिमम आपका लोड होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया 1200 वाट आपने आज ही यूज किया, ठीक है। 1200 वाट जब आप आज के दिन ही यूज करेंगे तो ये आधे घंटे तक जब इस लोड को लगाए रहेंगे तब ये आपका क्या करेगा, 1200 वाट को बताएगा, ठीक है। फिर अब जो है कि अगर ये तभी बताएगा जब आप इसको आधे घंटे तक यूज करेंगे, लेकिन फिर अगर जो है कि नेक्स्ट डे या आज ही के दिन आपने क्या किया, फिर जो है कि आपने लोड कर दिया कितना 1300 वाट, ठीक है। तो फिर अगर आप 1300 वाट जो आपने लोड यूज किया है अगर आप इसको, ठीक है, आधे घंटे तक यूज करेंगे तब ये आपका क्या करेगा, इस वाली जो आपकी मैक्सिमम डिमांड थी इसको मेजर करेगा, इस वाले को अब नहीं मेजर करेगा, ठीक है। तो इन फ्यूचर जब भी आप लोड इतना यूज करेंगे, ठीक है, या इससे अधिक जब यूज करेंगे तो नेक्स्ट, जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया 1500 वाट यूज कर लिया, ठीक है, जब 1500 वाट यूज करेंगे तो एनी टाइम आप क्या कर सकते हैं, आप 1300 वाट यूज करेंगे तब भी जो है कि आपकी मैक्सिमम डिमांड इतना ये एक बार रीड कर लेगा, ठीक है, तो इतनी ही आपको ये रीडिंग देगा, ठीक है। अगर आप जो है कि इससे कम कितने भी आप जो है कि मैक्सिमम पावर का यूज कर रहे हैं, ओके। तो देखिए इसमें आपके क्या क्या पार्ट लगे हुए हैं, जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर आपका पिन है, ये आपका डायल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका एक पिनियन है, ठीक है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपका कैम है, ठीक है, ये आपके कंस्ट्रक्शनल के अंदर आएंगे, कंस्ट्रक्शन में। और देखिए आपका ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है, वर्क कैसे करेगा, ये वर्क कैसे करेगा, जब आपने कोई, आपने मान लीजिए आपका लोड था 1 किलोवाट, आप इस लोड तक अगर आप यूज करेंगे, ठीक है, तो आपको इतनी ये पावर आपका दिखाएगा कि हाँ आपने लोड इसके अंदर ही लोड यूज किया है, 900 वाट तक यूज किया है, ठीक है, 800 वाट तक यूज किया है, 700 वाट तक यूज किया है, या 1 किलोवाट तक आपने पावर का यूज किया है पर्टिकुलर किसी एक टाइम पर, ठीक है। लेकिन जब आप लोड
अपना बढ़ाते हैं तब ये क्या करेगा, जो आपका ये पॉइंटर है ये आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। साथ साथ ही आपका ये जो पिन है यहाँ पर ये भी रहेगा, ठीक है। ये आपका स्प्रिंग लगा हुआ है, तो पर्टिकुलर एक टाइम पे ये जो आपका पिनियन यहाँ पर है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये आपका जब आधे घंटे का टाइम होगा तो ये आपका इससे अटैच रहता है, ठीक है। ये जो आपका कैम है ये इससे अटैच है, तो ये आपका रोटेट करेगा, तो ये भी आपका रोटेट करेगा, ठीक है। इसके हिसाब से ये रोटेट करेगा, तो ये वाला सिस्टम आपका रोटेट करेगा, तो ये वाला भी सिस्टम रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ आपका जो ये पिन है, ठीक है, ये भी आपकी रोटेट करेगी, और इसके साथ आपका पॉइंटर आपको कुछ ना कुछ रीडिंग शो करेगा, जितनी आपकी एनर्जी का जो जितनी आप पावर का कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, अगर मान लीजिए आपने इस वैल्यू से ज़्यादा, आपको बताया हमने अगर 1200 वाट आप पावर का कंजप्शन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो आपका पॉइंटर है, ठीक है, ये पॉइंटर तो आपका उसी पोजीशन पे बना रहेगा, ठीक है। पॉइंटर आपका क्या करेगा, 1200 वाट की पोजीशन पे बना रहेगा, लेकिन जो आपका पिन है, ठीक है, पिन ये आपकी इनिशियल पोजीशन में पहुँच जाएगी, ठीक है, ये आपकी इनिशियल पोजीशन में पहुँच जाएगी, ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टाइम आपका लोड अगर मान लीजिए 1300 वाट हुआ या आपका 1.3 किलो वाट हुआ, तो आपका फिर जो ये पिन है ये आपकी रोटेट करेगी, ठीक है, तो पॉइंटर और आगे आपका बढ़ेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रीडिंग आपको ये शो करेगा, तो ये आपका इतनी रीडिंग को शो करता रहेगा, जितनी आपकी मैक्सिमम डिमांड है उसी रीडिंग को क्या करता रहेगा, शो करता रहेगा। लेकिन जब आप जो है कि इस रीडिंग को देख लेंगे, तो आपका जो टेक्नीशियन है, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके मीटर को रीसेट करेगा, जीरो की पोजीशन पे लाएगा, इसको क्या करेगा, जीरो की पोजीशन पे लाएगा। तो आप जो है कि जब इसको जीरो की पोजीशन पे लाएगा, तो फिर जो है कि ये फिर जब नेक्स्ट टाइम आप इस लोड को क्या करेंगे, उससे एबव लोड को यूज करेंगे, तो आपकी एनर्जी का कंजप्शन इसको शो करेगा, ठीक है।